अब बैतूल में गरीबों की भी मनेगी दीपावली। ट्रेडिंग स्माइल ग्रुप की बेमिसाल पहल। स्माइल ग्रुप आगे आया तो पूरा शहर साथ खड़ा हो गया। बैतूल का समाज सेवा और दानवीरों की नगरी है। स्प्रेडिंग स्माइल ग्रुप के समाज सेवी संदीप कौशिक ने बताया कि इस दीपावली के अवसर पर जरूरतमंद परिवारों के लिए हर घर से ऐसी वस्तुओं का संग्रह घर घर से कर रहे हैं जो उनके लिए उपयोगी नहीं है। स्माइल ग्रुप के सदस्य घर घर जाकर सामान इकट्ठा कर रहे हैं और उस सामग्री को जरूरतमंद लोगों को वितरित कर रहे हैं। स्माइल ग्रुप के संरक्षक अक्षय तातेर द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर जरूरतमंद परिवारों में 100 किलो मिठाई, नमकीन, कपड़े, बच्चों के खिलौने का वितरण करेंगे। ऑटो लेकर स्माइल ग्रुप के सदस्य जैसे ही नगर के बाद में निकले तो शहर के सेवा भावी खुद ब खुद सामने आए और कपड़े, पंखे, खिलौने, मिठाई दे रहे हैं। इस पुलिस कार्य में संस्था के संदीप कौशिक, बिट्टू ठाकुर, मोनू यादव, विशाल छत्रे का सराहनीय योगदान रहा। आपने स्प्रेडिंग स्माइल से कांटेक्ट करके जो साड़ी देने का डिसीजन लिया था, ये आपने क्यों लिया था? मैंने देखा था कि ये स्प्रेडिंग स्माइल ग्रुप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और नीडी पर्सन तक जरूरत की चीजें पहुँचाता है, जिससे छोटी छोटी जरूरत की चीजें जब लोगों को मिलती है तो बहुत खुशी होती है उनको। इनको सोशल मीडिया पे मैंने एडवर्टाइज देखी आप लोग की, तो मेरी भी इच्छा होगी कि आप लोग को सहयोग करें। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैंने बहुत बार देखा आप लोग का सब, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और ऐसी रहता है कि समाज में अपन ने भी करना चाहिए जब है तो, इसलिए बॉटल, टिफिन और कपड़े मैंने भी सहयोग किया इसमें। बांटने और जरूरतमंदों की सेवा के उद्देश्य को लेकर अक्षय ठाकरे ने एक ग्रुप का निर्माण किया, स्प्रेडिंग स्माइल ग्रुप। इसका सिर्फ उद्देश्य सेवा और सिर्फ सेवा ही है। बहुत दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, लगभग एक वर्ष हो गए हैं। स्प्रेडिंग स्माइल ग्रुप के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दी जा रही है, पशु सेवा भी इसमें सम्मिलित है। हमारी टीम में विक्की, मोनू, बिट्टू, प्रदीप, लक्की, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अपना अमूल्य समय इस टीम के लिए देते हैं। इस बार दीपावली के उत्सव पर जस्ट टास्क टीम के भी द्वारा के साथ में एक प्रोग्राम डिसाइड किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि दीपावली के समय बहुत सारे लोग सामान जला देते हैं, फेंक देते हैं, तो इन सामानों को इकट्ठा करके इसको जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाएगा। आज सारी टीम सामान को इकट्ठा करने की कोशिश, बहुत सारे लोगों ने शूज़ वगैरह भी दिए हैं, बहुत अच्छी न्यू क्वालिटी के शूज़ हैं इसमें।